अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग तो नहीं कहूँगा, मॉर्निंग, क्योंकि क्रिप्टो के हालात दो, मार्केट के हालात दो बहुत ही बुरे हैं और इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग. बट लॉजिकली सोचे थे तो एक्चुअली इट्स अ गुड मॉर्निंग जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए. मार्केट गिरी जा रही है, नहीं समझ आ रही लोगों को क्यों गिर रही है, क्या सीन है. एक तो प्योरली चार्ट्स जो 69 से ड्रॉप होना शुरू हुआ वो तो प्योरली चार्ट्स थे, उसके बाद मैनिपुलेशन थी. और अब क्या गेम चल रही है, अभी भी बहुत बड़ी मैनिपुलेशन चल रही है मार्केट में. माइकल सेलर भैया के जो बिटकॉइन है इतने ज़्यादा, उनकी लिक्विडेशन प्राइस वो बोलते हैं 3,500, जो कि हाईली डाउट है. 3,500 नहीं है उनकी लिक्विडेशन, तकरीबन 10 या 11 के आसपास होनी है. तो मार्केट की जो बड़ी वेल्स हैं उनको ये सारी चीज़ें पता है, और सेल्सियस है और भी कुछ कंपनीज हैं, मेजर कंपनीज हैं जिनकी लिक्विडेशन प्राइस है. ये जो बड़ी कंपनी होती है इनके अकेले का पैसा नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों का मिल के पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लेवरेज ट्रेडिंग्स में और ये फ्यूचर ट्रेडिंग्स में इन्होंने लगाया हुआ होता है. तो वो पैसा जो है लिक्विडेट होने के चक्रों में है. सेल्सियस खुद परेशानी में, और माइकल सेलर ऐसे बोल रहा है कि वो उसकी लिक्विडेशन नीचे है, बट उसको भी लाले पड़े हुए हैं. तो मार्केट किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से उठ नहीं रही, 22 से भी नहीं उठी, 20 से भी नहीं, 19,800 जो ऑल टाइम हाई था वो भी ब्रेक कर दिया, वहाँ से भी नहीं बाउंस आया. और जो मंथली वो एवरेज थी 200 MA की, वो भी कोई रिस्पेक्ट नहीं की. मार्केट नीचे ही नीचे जा रही है. अब हमारे पास दो ही सिनेरियो है, या तो मार्केट को 19,800 बाउंस होना था, वो नहीं हुआ. अब दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या था, 10 से 13 हज़ार डॉलर के दरमियान की रेंज है जहां पे मार्केट आके बाउंस ले सकती है, और 10 से 13 हज़ार का एरिया ही ऐसा एरिया है, क्रिटिकल एरिया है, और काफी डिमांड जोन है, यहाँ पे बहुत लोग बाइंग करेंगे. तो आप लोगों को भी बाइंग करनी चाहिए, डरना नहीं है, खौफ नहीं करना. हर बार बियर मार्केट ऐसे ही आता है, मैंने देखे हैं दो बियर मार्केट. तो मैं 2000 मतलब 4-5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ये मैंने देखे हैं बियर मार्केट. आप हर डिप को बाय करो, हर 2-3 हज़ार का डाउन आता है तो उस पर बाय करो. अभी फॉर एग्जाम्पल प्राइस चल रही है 17,500, तो आप 15,000 पे दोबारा बाइंग करें, आप 12,000 पे बाइंग करें, आप 13,000 पे बाइंग करें, आप 10,000 पे बाइंग करें, 10 से भी नीचे आता है 8 पे बाइंग करें. बिटकॉइन हेयर टू स्टे, वो स्टे करेगा. अच्छे कॉइन्स बाय करें, डॉट बाय करें, लिंक बाय करें, BNB बाय करें, थीरियम बाय करें, सोल को भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इतना पसंद नहीं है मुझे अब. XRP बाय करें, केक बाय करें, और कौन सा, एटम बाय करें, ओशन बाय करें. ये कुछ कॉइन्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं. बाकी मैं डिटेल में एक लिस्ट भी बना दूंगा इसकी. तो बस ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.